नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेसर आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके इस टॉपिक से, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा 101%। आप ये बात जान लीजिए। तो दोस्तों सिर्फ आपका छोटका वीडियो, सिर्फ 15 मिनट में इस टॉपिक को यूं हम लोग क्लियर करेंगे। बस 15 मिनट के लिए आप अपना सारा ध्यान इस तरफ रखिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए, हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1999 रुपए में, आर ओ 499 और एसएससी जीडी 699 और वीडियो मॉक टेस्ट 249। यानी सिर्फ सारे बैच आपके उपलब्ध हैं स्टडी 91 में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। इन सारे बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? आइए, ग्रोथ या अभिवृद्धि या वृद्धि, आइए जानते हैं आखिर ग्रोथ या अभिवृद्धि क्या होती है। दोस्तों वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वृद्धि केवल क्या होती है? परिमाणात्मक होती है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, परिमाणात्मक होती है। यानी वृद्धि क्या होती है? यानी मनुष्य या बालक में होने वाले परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। जैसे दोस्तों आप जब छोटे थे, फिर कुछ समय बाद आपकी हाइट क्या होती है? बढ़ने लगती है। हाइट क्या होने लगती है आपकी? बढ़ने लगती है। धीरे 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 आपकी हाइट क्या होनी है? बढ़ने लगती है। जैसे आपके छोटा भाई है, कभी आप जैसे कि गांव में रह रहे हैं तो छोटे भाई के पास 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद जाते हैं तो वो आपके कंधे के बराबर हो जाता है। फिर आपने कहा, अरे वाह, मेरे भाई ने ग्रोथ किया। ग्रोथ इन द सेंस, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि हुई दोस्तों। यानी वृद्धि, वृद्धि को व्यक्ति के वजन से, उम्र से, आकार में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वृद्धि यानी क्या होती है सर? मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है। यानी वृद्धि को क्या करते हैं? हम नाप सकते हैं दोस्तों, ठीक है? यानी लंबाई को हम बता सकते हैं कि हाँ ये कितने फुट का है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट या 6 फुट का है, तो उसको हम नाप सकते हैं, ठीक है? और ये जानते हैं वृद्धि के बारे में। अब विकास के बारे में जानते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है और विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। जैसे हमारे माइंड का विकास होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है, हमारे माइंड का धीरे धीरे विकास होता है, उसमें हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम क्या सही है क्या गलत है हर चीजों को जानते रहते हैं, ठीक है? तो वो विकास होता है हमारा, किसमें? बुद्धि में विकास होता है दोस्तों। तो विकास क्या होता है? विकास केवल परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। विकास क्या होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और आइए चलते हैं आगे। आप वृद्धि और विकास के जब अंतर के बारे में पढ़ेंगे तो और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। तो ग्रोथ की बात करें, अभी मैंने आपको बताया, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, यानी हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना स्टार्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि। जैसे बालक 2 वर्ष में इतना छोटा होता है, 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना बड़ा, यानी उसके शरीर की लंबाई क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब विकास की बात करें, अगर विकास डेवलपमेंट, जब हमारे मानसिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक, बौद्धिक तथा पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विकास कहा जाता है। यानी हमारे मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक पक्षों में, हमारी बुद्धि में क्या होता है? विकास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास कहा जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीजों की जब हमें जानकारी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अपनी हिंदी 299 पर, वीडियो 199, पेट कॉम्बो 350, पेट बुक्स 300, आर ओ की बुक आपकी 175 रुपये में, लेखपाल कॉम्बो 300, फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें, ऑर्डर अभी करें, नया बैच प्रारंभ हो गया। आप सभी का कोई इस बुकों को मिलाने, मंगवाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए, अब सेकेंड पॉइंट है, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? वाह होता है दोस्तों।
पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? वाह होता है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, यानी कि इस बालक की आप हाइट को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाइट को देख सकते हैं कि हाँ इस बालक की लंबाई कितनी हो, और आप देख के ही बता सकते हैं यार ये लड़का तो 5 फीट का है, ये 6 फीट का है, ये 4 फीट का ही होगा। तो यानी वाह है, यानी देख सकते हैं। वृद्धि क्या होती है? स्वरूप वाह होता है। पर ग्रोथ का क्या है? ग्रोथ विकास का स्वरूप आंतरिक एवं वाह दोनों होता है। उदाहरण मस्तिष्क भाषा ज्ञान, यानी क्या होता है दोस्तों, जो ग्रो डेवलपमेंट होती है उसका विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है दोस्तों। यानी कि हमारा जो विकास होता है हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, केवल जान सकते हैं। जैसे आपका बालक है, जैसे जब वो छोटा होता है तो जिस प्रकार से बोलता था, क्या वो अभी उसी प्रकार से बोलता है? नहीं, अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसका विकास हो गया है, अब वो उचित शब्दों का प्रयोग करता है, यानी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो उचित शब्दों का प्रयोग करता है, उचित शैली का प्रयोग करता है। तो यानी अब उसका क्या हो चुका है? विकास हो चुका है। ये नहीं जैसे आप पहले बालक बोलते थे, तुतुराते थे ना ऐसे ऐसे, तो क्या अब भी आप लोग तुतुराते हैं? नहीं। तो अब भी आप स्पष्ट बोल पाते हैं? अब आप स्पष्ट बोल पाते होंगे पहले की अपेक्षा दोस्तों। तो वही चीज है कि विकास का स्वरूप क्या? आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण मस्तिष्क भाषा ज्ञान, पर इसे हम देख नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है। वृद्धि क्या होती है दोस्तों? जैसे आपकी हाइट है, आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, पर 30 साल 40 साल के बाद आपकी हाइट क्या होती है? बढ़ना रुक जाती है। अगर हम समय बढ़ते रहिए तो आप क्या हो जाएंगे? महावली खली हो जाए, महावली खली से और आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो यानी हाइट हमेशा लगातार जीवन भर उम्र भर नहीं बढ़ती, हाइट कुछ समय बाद उसकी एक निर्धारित सीमा होती है कि वो रुक जाती है। यानी वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई हुआ, वजन हुआ, ये रुक जाता है। पर अगर हम विकास की बात करें, विकास जीवन भर चलता है दोस्तों। क्या करता है? विकास जीवन भर चलता है। विकास के लिए कहा गया है विकास वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, यानी कि जन्म से लेकर कब्र तक, जन्म से लेकर कब्र तक विकास चलता है। यानी कि जैसे हमारी, यानी जब हमारा जन्म होता है और जब हम कब्र में जाते हैं तब तक विकास होता रहता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि में ये कहा गया है दोस्तों, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, कभी हमारा वेट बढ़ता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी की लंबाई आपने देखा होगा बढ़ जाते, कोई मोटा ज़्यादा हो जाता है, पर कोई कुछ समय बाद छोटा ही रहता है, पर धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती है। ये नहीं है कि एकाएक लंबाई आपकी बढ़ जाए, एकाएक आप मोटे हो जाए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती है दोस्तों, यानी कि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। पर विकास के लिए कहा क्या क्या कहा गया? विकास में निश्चित क्रम होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है। पहले जैसे हम, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास किसकी बात कर रहे हैं? मानसिक विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे हमें कोई भाषा सीखनी है, अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम क ख ग घ अंगा ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं, अक्षरों को सीखते हैं, फिर व्यंजन स्वर इन सब का हमें ज्ञान होता है, फिर धीरे धीरे हम लिखना प्रारंभ करते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं? लिखना प्रारंभ करते हैं, फिर बोलना प्रारंभ करते हैं। तो ये स्टार्ट एक क्रम से होता है दोस्तों। विकास क्या होता है? एक क्रम से होता है। ये नहीं कि आप पहले लिखना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दिए थे, नहीं, पहले आपने बोलना स्टार्ट किया, पहले आपने बोलना प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे आपने लिखना शुरू किया, पहले क ख ग घ, फिर ये नहीं कि डायरेक्ट निबंध लिखना शुरू कर दिया, ऐसा होता है नहीं, क्रम से होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल बेल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में दोस्तों, सिर्फ मात्र 999 रुपये में। इस बैच को लेने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि क्या होती है? दिशाहीन होती है, यानी कि वृद्धि में कोई दिशा नहीं होती। हमने अभी बताया कि वो क्रम से नहीं चलती, यानी कि क्रम बिना क्रम के ही वृद्धि होती रहती है, इसीलिए कहा गया कि वृद्धि दिशाहीन होती है। पर विकास एक निश्चित दिशा में होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है, तो हाँ विकास की दिशा निश्चित होती है, परंतु आपकी वृद्धि की दिशाहीन होती है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं,
हम भार लंबाई का नाप कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी भी आपके क्वेश्चन पूछ लेगा सीटेट या यूपीटेट में वृद्धि का मापन किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि के अंतर्गत आपकी लंबाई आती है, आपकी चौड़ाई आती है, आपका वजन आता है। तो ये चीज है, जैसे कि हम अपनी लंबाई नाप सकते हैं कि इस बालक की लंबाई कितनी है, 5 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है, इस लड़की का वजन कितना है, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो हम नाप सकते हैं। पर अगर बात की जाए विकास की, दोस्तों विकास विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। जैसे आईक्यू लेवल आप चेक कर सकते हैं, बालक का कितना आईक्यू लेवल है, ये किस विषय में कमजोर है, किस विषय में तेज है, तो उसके आईक्यू लेवल का आप चेक कर सकते हैं बस। पर एग्जैक्ट मापन आप नहीं कर सकते। तो वही चीज है कि विकास का, सामाजिक विकास नैतिक विकास का मापन नहीं किया जा सकता, केवल मानसिक विकास का हम आईक्यू लेवल का टेस्ट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज है, नेक्स्ट चलते हैं। ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग ई बुक, दोस्तों सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने कॉम्पिटिशन को देखते हुए सारी बुक्स लिखे हैं। आइए, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि क्या होती है, केवल परिमाणात्मक होती है या मात्रात्मक कह सकते हैं आप, कि हम इसे नाप सकते हैं, इसके नाप से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये कई फीट का है, 5 फीट, 6 फीट का है कि 7 फीट का। तो ये मात्रा परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, मैंने पहले ही बताया। वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक और मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की, वही बात फिर से कही गई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे क्या होता है दोस्तों, उदाहरण है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जैसे दोस्तों ये कहा गया, कुछ बच्चे आप देखे होंगे अपने गाँव देश या सिटी में, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, समय के अनुसार उम्र उनकी कम है पर उनके शरीर का और उनका हाइट क्या होता है, मोटे होते जा रहे हैं, हाइट भी बड़ी होती जा रही है, पर उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। तो उनके बुद्धि का विकास नहीं हो, तो हम ये नहीं कहेंगे इस पर ग्रोथ हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई, केवल उसका विकास हो रहा है, किसका, बॉडी का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है, बॉडी का विकास हो रहा है। तो ये चीज है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु विकास के लिए क्या कहा गया, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य हो जाता। जैसे आप देख रहे हैं इस आईएएस आईपीएस जवान को कोई नहीं, कौन नहीं जानता है, यानी कि इसका, ये बहुत ज्यादा भाई साहब लंबे भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा मोटे हैं, पर इनके बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक सब विकास इनका हो चुका है और ये आईपीएस सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये चीज है कि यानी इनका डेवलपमेंट हो चुका है, इनका विकास हो गया है, ठीक है। तो ये चीज कि आपको ये कहा जा सकता है कि वृद्धि केवल आपके, ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ हुआ तो वृद्धि भी हो जाए, विकास भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यानी इनका केवल ग्रोथ हुआ है कि आपका शरीर बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, हाइट बढ़ गई, पर विकास कैसे होता है, विकास क्या होता है, आपके मस्तिष्क का विकास जो होता है वो कहा जाता है डेवलपमेंट दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कल फिर आपके लिए लाएंगे आपका छोटका वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।